जय श्री राधे क्लास 11। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, ऑफिस पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा। तो आज हम एरो का पार्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, उसके बाद में आपको सिग्निफिकेंट फिगर का फील कराऊंगा, बिल्कुल जबरदस्त वाला फील, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर इज अ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? हाउ टू रिपोर्ट, हम किस तरह से रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। और भी बहुत कुछ आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने एरर के जो क्वेश्चन कर लिए होंगे, आपको शीट मिल गई होगी सभी को, ठीक है, क्वेश्चन मिले। यदि किसी को शीट या नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दे रखी है, छोटी सी व्यवस्था दे रखी है, उसमें मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, सर आई नीड अ प्रैक्टिस शीट एंड नोट्स, तो आपको मैं दे दूंगा जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, उसकी प्रैक्टिस शीट और नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना प्रैक्टिस के तो बेकार है। तो सिग्निफिकेंट में आया रिप्रेजेंटेशन, या मैं आपको अपील कराता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार से आलू लेके आए, ठीक है, क्या लेके आए? आलू। और मैं कितने आलू लेके आए? 3 kg। कितने आलू लेके आए आप? 3 kg, ठीक है। आप उसे 3 kg लिखेंगे या क्या ये लिख सकते हैं उसे आप? ये से 3.0 kg। आपको कहोगे तो अंतर क्या है? पॉइंट के बाद जीरो की तो वैल्यू होती नहीं है, अंतर क्या है? या मैं ये कहूं क्या आप ये लिख सकते हैं 3.00 kg? ये भी तो वही है सेम, नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। 3 kg, 3.0, 3.00 में अंतर है। क्या अंतर है? ये अंतर है मेजरमेंट का। किसका अंतर है? मेजरमेंट का। या मैं यूं समझाऊं आपको कि 3 kg में एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। समझा रही? कैसे? आपने केवल 3 kg लिखा, मतलब 3 kg एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जा रहा है कि उस पर छोटे मोटे मतलब 10 ग्राम से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं आपको कि बड़ी कोई मशीन है, देखिए आप बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, या फिर धर्म कांटा, नाम सुना धर्म कांटा, जहां पर बड़ी बड़ी ट्रॉलियों का मेजरमेंट होता है। बिंदास में कई सारे धर्म कांटा बने हुए और भी आपके शहर में बनेंगे, जो बड़ी बड़ी ट्रॉलियों का जहां मेजरमेंट होता है, उस ट्रॉली पर यदि मैं थोड़ा सा 10 ग्राम और कुछ डाल दूं, या ये ट्रॉली या बड़ी वाली जिस पे अनाज तुल रहा है, या वजन तुल रहा है, या कुछ और मेजरमेंट किया रहा, उसको 100 ग्राम डाल दूं, क्या उसका असर होगा? यह यूं समझिए कि आप जो छोटी सी तराजू देखते हैं दुकानदार के यहाँ, छोटा सा रखा रहता है, उसमें 1 किलो अपने आलू लिए, उन 1 किलो आलू के साथ मैं कुछ 3-4 चावल के दाने डाल दूं, क्या ऊपर नीचे फर्क पड़ेगा 3-4 दानों से? नहीं पड़ेगा। पर वही एक सुनहार की दुकान पर मैं 1 चावल भी डालूंगा तो फर्क पड़ेगा, 1 चावल भी डालूंगा तो फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किलो में मेजरमेंट करता है, ध्यान देना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किलो में मेजरमेंट करता है। ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है 3.0, मतलब ग्राम में भी मेजरमेंट करता है, मतलब 1 ग्राम भी बढ़ेगा तो ये बताएगा, 1 ग्राम भी बढ़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है मिरर में, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? वो 0.1 ग्राम को भी मेजरमेंट करता है। नहीं यार, बात समझ में नहीं आ रही। 3.0 kg, 0.0 ग्राम में मेजरमेंट कर रहा है, 3.00 kg मतलब 0.0
0.1 ग्राम को भी मेजरमेंट कर रहा है। किलोग्राम का दसवां हिस्सा ये मेजरमेंट कर रहा है, किलोग्राम का दसवां हिस्सा 1/10, एक किलोग्राम का 1/10, उसका भी दसवां हिस्सा मतलब सोवां हिस्सा किलोग्राम का ये मेजरमेंट कर रहा है। तो यहां पर मोर एक्यूरेसी है, यहां पर थोड़ी कम एक्यूरेसी है। मैं आपसे पूछूं यहां पे एरर आने के चांसेस क्या रहेंगे, यहां एरर आने के चांसेस जा रहे हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, इंस्ट्रूमेंट पे, किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको छोटा सा ये वाला बात और समझाना चाहूं, सही चीज को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास सही क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट। अब सोने वाला यदि ये चुनी पर्ची वाली जो तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जहां पे एक तरफ बांट रखा जाता है, एक तरफ वो होती है, या बड़ी वाली जो तराजू होती है जहां पे 50-50 किलो आलू तोले जा रहे हैं, वो वाला इंस्ट्रूमेंट रख लें अपनी दुकान पर, सोने चांदी की दुकान पर, ध्यान दे रहे, सोने चांदी की दुकान पर वो वाला इंस्ट्रूमेंट रख लें और सोने का मेजरमेंट करें। कोई लेने आया और उसका सोना कितना है, 2 ग्राम है, बहुत ध्यान देना मेरी बात पे, 2 ग्राम है। अच्छा 2 ग्राम में 2 ग्राम सोना कितने का, मान लीजिए 2 ग्राम सोने का 10,000 रुपए का, ध्यान देना 1 ग्राम मानते हैं, 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है, 10,000 मान लिया, 1 ग्राम की 10,000 है ना, मतलब यहां पर 0.1 ग्राम इंक्रीज हो जाए, बहुत ध्यान देना, या डिक्रीज हो जाए तो कितने का फर्क पड़ेगा, 1,000 रुपए का, नहीं पड़ेगा। 0.1 ग्राम मतलब 1 ग्राम का दसवां हिस्सा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए कितने का फर्क पड़ेगा, 1,000 रुपए का। अच्छा ये बड़ी तराजू होगी उसमें 0.1 ग्राम इंक्रीज तो मुझे दिख नहीं सकता है, 4-5 चावल डाल दो, क्लियर है ना, पर फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसलिए उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा छोटी 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 जो बारीक को में मेजरमेंट कर लेते हैं, छोटी छोटी प्लेट रखी रहती है उनको मेजरमेंट कर लेते हैं। 0.1 छोड़िए, मैं आपसे कहूं 0.01 ग्राम यदि इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, 100 रुपए इंक्रीज होंगे या 100 रुपए डिक्रीज होंगे, बहुत फर्क पड़ रहा है, 100 रुपए का इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन भला कितना है, 0.01 ग्राम, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, अंतर है या नहीं है। तो सोने को मेजरमेंट करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए अलग अलग चीजों को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग क्या बने हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट, और उनके ही अलग अलग क्या होते हैं, लिस्ट काउंट, अलग अलग क्या होते हैं, लिस्ट काउंट। मैं आपसे पूछूं ये जो मेजरमेंट करने का है किलोग्राम वाला, इसका लिस्ट काउंट क्या है, 1 ग्राम, इसका लिस्ट काउंट क्या है, 1 ग्राम, इसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 ग्राम, 0.1 आ रही है ना बात आपको, लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 ग्राम, मतलब इसमें एरर कितने की आ सकती है, 1 ग्राम की तो आसानी से आ सकती है, इसमें एरर कितनी की आ सकती है, 0.1 ग्राम की, इसमें एरर कितनी की आ सकती है, 0.01 ग्राम की। अब इससे सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है भाई, सिग्निफिकेंट का मैंने क्या बताया था, मेजरमेंट हम किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, इन तीनों के सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग होंगे, वो अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि इन तीनों का मतलब अलग अलग है। तो मैंने तो अभी तो ये बताया केवल कि सिग्निफिकेंट फिगर की इंपॉर्टेंस क्या है। आगे हाउ टू राइट, किस तरह से हम लिख रहे हैं वही क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात है। अच्छा एक चीज और होती है जो आप मेजर कर रहे हो उसके लिए सही इंस्ट्रूमेंट लिया है या नहीं लिया, ये कैसे मालूम पड़ेगा, जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं बहुत ध्यान देना, उस मेजरमेंट में यदि एरर 5% से ज्यादा है या 5% से कम है तो सही इंस्ट्रूमेंट है। यदि एरर 5% तो नहीं, यदि 5% है या 5% से कम है तो इंस्ट्रूमेंट आपने सही लिया है, यदि एरर 5% से ज्यादा है, मोर देन 5% है,
तो यू चूज आर रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ दी थिंग्स। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हो, वही सोने वाली बात ले लो, सोने वाले में सोने को ये इस वाले इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करो तो इसमें एरर कितने का आ सकता है, 1 ग्राम का एरर तो आ सकता है क्योंकि ये इसकी लीस्ट काउंट क्या है 1 ग्राम, और लीस्ट काउंट की क्या बताती है हमें, एरर बताती है, कितने एरर तो आ सकता है। ये एरर रैंडम भी हो सकता है, सिस्टमैटिक भी हो सकता है। हवा चल गई हल्की सी तेज हवा, तेज हवा के कारण 1 ग्राम ऊपर नीचे हो गया, 1000 रुपए का चूना लग गया, वो चूना किसी को ले सकता है, दुकानदार को ले सकता है, और तो ये 1000 रुपए का चूना लगा ये ऊपर नीचे हुआ, ये क्या आया एरर, ये एरर इसकी वजह से है। अच्छा यदि ये था 10000, 10000 में 1000 रुपए का चूना लग गया, एरर का परसेंटेज निकालिए, निकाल सकते हैं 10%, और 10% की एरर आ रही है, 10% निकाला जाता है वो आप निकाल लीजिएगा। मैंने आपको बताया ट्रू वैल्यू अपॉन करके एरर निकालना बताया था, रिलेटिव वैल्यू इनटू 100 एरर परसेंटेज निकाल सकते हैं, रिलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे इनटू 100 कर देंगे, आइए एरर परसेंटेज, एरर बहुत ज्यादा आ रही है, इसके लिए वही ये वाला एस्टीमेट सही नहीं। कौन सा है जो हमको 0.1 ग्राम भी बता दे, या जो 0.01 ग्राम भी बता दे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, ये वाला और ज्यादा अच्छा है, सोने की एक्यूरेसी भी बता दे। क्लियर समझ में आई नहीं बात? अब ये जो मैंने कहा कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वही क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके कुछ एग्जांपल लेके देखें कि एग्जांपल क्या है सिग्निफिकेंट, बताया किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके नोट्स में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और नोट्स के 6 पॉइंटों खोल के रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे 4, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला रूल बनता है जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं और आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, सबकी वैल्यू भैया मायने रखती है यहाँ पर। क्लियर है बात? ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने कहा सर जितने भी नॉन जीरो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे नॉन जीरो कितने हैं 1 2 3 4, लेकिन सेकंड रूल बना कि नॉन जीरो के बीच में यदि कोई जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू है, मैंने ये समझाया था जिसकी वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5, मैं आपको बोलूं यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5 है 4 है 3 है या फिर 2 है, कितने सिग्निफिकेंट, अनीता बसंती चंपा डाली किसके साथ जाएंगे आप कहेंगे सर साफ साफ नजर आ रहा है अनीता सही है 5 है, बट एक यहां पर रूल और बना कि यदि नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहे हैं, बहुत ध्यान देना अगली बात पर, नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहे हैं तो उनकी कोई मतलब नहीं बनता, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, जो चंपा कह रही है, चंपा कितनी कह रही है 3 कह रही है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए यहां पर 3 हो गए। तो ये वाली बात को समझ नहीं आई, मतलब क्यों नहीं है, ये हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्यों नहीं है। देखिए एक चीज होती है राउंड ऑफ, सही मैं आपको बताऊंगा, यदि मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो पॉइंट यहां तक के आएगा, ये सारी वैल्यू 10 की पावर में चली जाएंगी, 10 की पावर दी जाएंगी, उनको हम नहीं लिखेंगे, केवल हमारा है ये कितनी वैल्यू आई 3, और समझिए और इजीली समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद 3 समझ, पहला रूल समझ में आया जितने भी नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, नॉन जीरो के बाद जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, ये लिखा हुआ है 1 2 3 0.0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, वही अनीता कहती है 3, बसंती कहती है 4, चंपा कहती है 5, और डॉली कहती है 2, हाँ भाई कौन है
अनीता बसंती चंपा डॉली कौन सही है? आप कहोगे सर ये तो अनीता ही सही है, आपने कहा था यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए नॉन जीरो नंबर 3 है। लेकिन मैंने एक बात अभी और बताई थी, पॉइंट के बाद जीरो का मतलब होता है, बताया था ये क्या किसने कैलकुलेट कर रहा है ग्राम में, ये किसने कैलकुलेट कर रहा है 0.1 ग्राम में, मतलब पॉइंट के बाद जीरो का मतलब है वो एक्यूरेसी बता रहा है भाई। अब बताओ कितने 1। अच्छा पॉइंट के बाद जीरो का मतलब है, पॉइंट से पहले तो जीरो का मतलब वही होगा, क्लियर बात है। 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे एक चंपा जीतती है तो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितने हो गए 5। बात समझ में आ रही, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चले आगे बढ़े। तो यहां मेरे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 5, क्लियर है। यहां पर बताए 0.0023 अनीता कहती है 5, बसंती कहती है 2, चंपा कहती है 4 और डॉली कहती है कितने 3। बता रहेगा कितने कौन सही है? आप सर अभी अभी आपने बोला पॉइंट के बाद मतलब होता है, पॉइंट के बाद मतलब के अकॉर्डिंग पॉइंट की संख्या आई 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 इसका मतलब हो गया चंपा सही है। नहीं है सही, पॉइंट के बाद जीरो का मतलब तब होता है जब पॉइंट से पहले कोई एक नॉन जीरो हो। नहीं यार ये बात समझ में, पॉइंट से पहले नॉन जीरो है तभी तो पॉइंट के बाद जो जीरो का मतलब है। कुछ बात मेरी बात समझने का प्रयास करना, केवल पॉइंट से पहले नॉन जीरो है तो ये पॉइंट के बाद जीरो क्या बता रहा है कि इसकी नापने मेजरमेंट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एक्यूरेसी क्या है। यदि पॉइंट के बाद जीरो है, जैसे ये वाली चीज ले लें हम, यहाँ पे ये कहाँ है ग्राफ, ये लिखा हुआ है 0.0023 यदि ये है तो यार देखना क्या हो गया, थोड़ा ध्यान देना। हम किस में करते हैं, राउंड ऑफ में करते हैं, ये बताया था इसका राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट किसके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.3 × 10⁻³। ये तो होगा भाई, नहीं होगा 10⁻³, ये तो क्या हो गया ऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डर, ये हम पहले बात कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं ऑर्डर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह गए 2, नहीं है इस बात समझ में, मतलब तो इस चीज का ही। अच्छा आप कहोगे सर जैसे इसमें 10⁻³ कर दिया, यहां करके देखो, करके देखो भाई कहां ले जाओगे पॉइंट को, सेम है, मतलब पॉइंट से पहले नॉन जीरो है और पॉइंट के बाद जीरो है तो उसका मतलब है बनता है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, और यदि पॉइंट से पहले जीरो है तो पॉइंट के बाद जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कराएंगे। इस बार जीतती है हमारी कौन, बसंती। तो बसंती ने क्या कहा 2, आंसर भी कितना आया 2, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे 2, ये मैं जो आपको बता रहा हूं सारे पॉइंट मेरे नोट्स में लिखे होंगे, आगे पढ़ते हैं। अच्छा यहां बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, मैं आपको फिर से दूं, अनीता कहती है 2, बसंती कहती है 4, चंपा कहती है 3 और डॉली कह रही है 5। हु इज राइट? आप अनीता के साथ जाएंगे, बसंती के साथ जाएंगे, चंपा के साथ जाएंगे, डॉली के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे जल्दी बताएं, क्यों मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं ना उसको मैंने एक बार क्लियर करना है, किसका मतलब हो सकता है, किस किस का मतलब हो सकता है। यदि मैं यहां पर देखो, यहां पर सिंपल सी बात है, राउंड ऑफ तो पहले से ही हो, ठीक है, मैंने कहा पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले नॉन जीरो है और पॉइंट के बाद जो संख्या उसका मतलब होता है, पॉइंट से पहले नॉन जीरो है, बढ़िया ये मेजरमेंट है और एक्यूरेसी, ये और ज्यादा एक्यूरेसी, ये और ज्यादा एक्यूरेसी, ये तो बेहतर एक्यूरेसी, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। कौन सही है, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली? तो इस बार हमारे डॉली ने सही जवाब दिया है, तो डॉली क्या कह रही है 5, तो आंसर
आंसर आया मेरा 5। तो यहाँ पर मेरा आंसर लिया 5। क्लियर है समझ में आती है कॉन्सेप्ट? क्लियर चल रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो एकदम मक्खन की तरह होना चाहिए। अब ये यहां देखें, यहां से मिलकर के फिगर कितने हैं? शक वाली बात ही नहीं है, 3। रूल द्वारा रिवाइज करते हैं, एक बार और समझाते हैं, आपको और क्लियर होगा। जितने भी नॉन जीरो होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर के लाएंगे। नॉन जीरो के बीच में जीरो होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, नॉन जीरो के बाद जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में, नॉन जीरो के बाद जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। भाई ये हमारा पॉइंट नहीं है, हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद काउंट हो जाता है। नॉन जीरो के बाद जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। यदि पॉइंट के बाद जीरो है और पॉइंट से पहले हमारी नॉन जीरो संख्या है, सारी की सारी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। पॉइंट से पहले जीरो है और पॉइंट के बाद हमारी कुछ जीरो और कुछ नॉन जीरो आ रहे हैं, तो जीरो हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। पॉइंट के पहले क्या है नॉन जीरो, उसके बाद जो जितनी भी संख्या होंगी सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। ये कुछ समझ में आया? एक छोटे से क्वेश्चन मैं करने के लिए देता हूँ, वो करने का प्रयास कीजिएगा। मैंने जो एक शीट दी हुई है उस शीट में वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो उनको प्रयास करना, देखना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें छोटी सी चीज आपको और समझाते हैं अभी कि क्या होता है ये। मान लीजिए कोई डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर में चेंज करी, सेंटीमीटर में मेजर करी, कोई एक डिस्टेंस है, मान लीजिए ये है डंडी वाली, इसको मैंने सेंटीमीटर में मेजर किया और मैंने कहा ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 100 मत लीजिए, मैं कह रहा हूं ये हमारी 125 सेंटीमीटर है। बहुत धन्यवाद बात है। हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। क्लियर? मैं कहना चाहता हूं कि आप इस 125 सेंटीमीटर जो हमने इसको मेजर किया है इसको मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करें। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 का डिवाइड करते हैं। जब इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 125 12.5 मिलीमीटर। ये होगा नहीं होगा? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा हमारा, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, ये 125 हमारा 1250 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो 1250 आया। अब मैं आपसे पूछूं हाउ मच सिग्निफिकेंट इन द ईयर, कितने सिग्निफिकेंट है? नॉन जीरो के बाद जीरो का मतलब नहीं होता सिग्निफिकेंट नंबर 3। तो यहां से एक बात समझ आई, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होता, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होता। और यदि मैं इसको मान लीजिए मीटर में लिखना चाहता हूं, रिपोर्ट करना है आंसर मीटर में रिपोर्ट करना है, क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.25। अब मैं आपसे पूछूं हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर, 3। तो यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट नंबर में कोई भी चेंज देखने के लिए हमको नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर? क्लियर। अब एक चीज और आती है, सर्टेन और अनसर्टेन। ये तो कोई भी नंबर लिखा हुआ यही ले लेते हैं, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जैसे मैंने कहा 1, 2, 5, 6, ये लास्ट वाली वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं अनसर्टेन, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में। और ये वाली जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या है, इसमें हमको चेंज देखने के लिए मिलेगा और इसमें चेंज देखने के लिए हमको आसानी से मिल जाएगा। सर्टेन रहेगा और अनसर्टेन रहेगा, जो सर्टेन है वो पक्का है, जो अनसर्टेन है उसमें चेंज आ सकते हैं। इसलिए इस चीज को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ 3 डिजिट में होता है, राउंड ऑफ 2 डिजिट में भी होता है, राउंड ऑफ 1 डिजिट में भी होता है। कैसे होता है बहुत है समझिएगा, मैं ये वाला नंबर ले लेता हूं 1, 2, 5, 6 राउंड ऑफ करना है। अच्छा ये ऐसा करो, ये एंड वाली संख्या को क्या कर लो, एक्स कर लो, ठीक है, बहुत समझना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल यदि ये एक्स 5 से ज्यादा है, बहुत ध्यान देना, यदि ये एक्स 5 से ज्यादा है,
तो इसका आंसर क्या होगा, वन टू। यदि ये फाइव से क्या है, ज्यादा है, मुझे राउंड ऑफ करना है किसमें, थ्री डिजिट में, किसमें करना है, थ्री डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तीन डिजिट में राउंड ऑफ करना है। यदि ये एक्स फाइव से क्या है, फाइव से ज्यादा है, फाइव से ज्यादा होगा तो वन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, वन टू सिक्स। वन टू इस तरह समझिए आप कि हमने नंबर लिया 2.98 x, यदि ये x 5 से ज्यादा, एक्चुअली क्या है 125 जो हमने लिखा था वहां पे उसको सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे हम, रैंडम में, ठीक है, उसे क्या कहें राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ ही कर लेना, राउंड ऑफ के लिए पॉइंट हमको यहाँ लेके आना पड़ेगा, उसको जो हमने लिया था 125 ये दिया था ना 125.6, इसको चेंज करने के लिए पहले हम 1.56 × 10³ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये क्या जा रहा है और क्या, इसके बाद हम चेक करेंगे, तो इसको भी चेक करने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा, मैंने एक नई वैल्यू ले ली। यदि ये x 5 से ज्यादा है, 3 डिजिट में मुझे राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर ये 1 प्लस हो जाएगा। यदि ये 5 से कम है, बहुत ध्यान देना, यदि ये 5 से कम है तो क्या होगा, तो क्या रहने वाला है, वही का वही, को नो चेंज, तो ये 2.98। अच्छा यदि ये 5 के बराबर है, इक्वल है, तो क्या रहेगा, 2.98, कोई चेंज नहीं है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा सा बहुत समझ नहीं की है, यदि इससे पहले वाली संख्या इवन है तो इस तरह से करेंगे, इवन है तो, यदि ये ऑड है मतलब 7 होता 8 लेगा तो क्या होता, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, 5 से ज्यादा होने पर तो सेम आएगा, 5 से कम होने पर भी सेम आएगा, लेकिन यदि 5 के बराबर है तो यहां पर 1 इंक्रीज होगा ऑड पर, किस पर इंक्रीज होगा, ऑड पर, इवन पर नहीं होगा, क्योंकि जनरली हम इवन को प्रेफरेंस देते हैं, ये रूल है, ये क्या है, रूल है, या यूं कहो आंसर रिपोर्ट करने का तरीका है, द वे ऑफ रिपोर्ट द आंसर, इवन होने पर इस तरह से, ऑड होने पर इस तरह से। ये कब था, जब 3 डिजिट में रिप्रेजेंट किया, यदि इसी का लेना यहां पर 8 है, यदि मुझे यहीं पर 2 डिजिट में क्या करना होता, राउंड ऑफ करना होता, तो कैसे करते, सिंपल सी बात है, 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, ये 5 से, इस जो को देख लेंगे ये क्या है, 5 से ज्यादा है, तो ये 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा तो 3, इसको हम 3.0 लिख सकते हैं। 0.0 का मतलब है, यदि मैं बताया था ये, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर पूछो तो कितने हैं, 1 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3 है, सिग्निफिकेंट नंबर चेंज है मतलब पड़ रहा है, तो 2 डेट में आप क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, एक ही वैल्यू को डेट में राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसमें एक चीज और लगी आपकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हम इसमें किस तरह से करते हैं, एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं, देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने की है, तो मान लीजिए मेरा ए दे रखा है 2.36 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ लेगा, बहुत जल्दी जोड़ना आपको आता है, लेकिन रिपोर्ट हम ऐसे करेंगे, वाय क्यों समझते हैं, रिपोर्ट हम इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि इन दोनों में जिसका सिग्निफिकेंट नंबर कम है, नंबर कम है उसको प्रेफरेंस देंगे, क्लियर है बात, समझ में आती है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 1, 2, 3, इसका कितना है 2, तो हमारे आंसर का सिग्निफिकेंट नंबर कितना होना चाहिए, कम, मिनिमम वाला 2, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर में हम आंसर रिपोर्ट करते हैं। मैंने तो आपको पहले का सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, द वे ऑफ रिप्रेजेंट द आंसर, क्लियर, सब्ट्रैक्शन देखिए, मान लीजिए हमने ए ये लिया, बी ये लिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, तो हमारा आंसर आता है ये, इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या, 1, 2, 3, 4, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है, आंसर हम किसमें देंगे, 2 सिग्निफिकेंट नंबर में, तो इनका इसका आंसर जो आया मेरा a माइनस b का, वो आया 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट नंबर में, लेकिन रिपोर्ट कैसे करेंगे, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, और जब इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ, 2 है
है 5 से कम 6 ही रहेगा, 6 5 से ज्यादा है 1 प्लस हो जाएगा, ठीक। 4 तुम दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं आएगा समझ में। 2 5 से कम है तो 6 का 6 ही रहेगा, 3 में करेंगे तो 3.6 से रहेगा, 6 5 से ज्यादा है तो 1 प्लस हो जाएगा 7 हो गए। क्लियर है बात, समझ में आती है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई बने। चलिए अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। देखिए जरा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन a * b, हमने a ले लिया कोई b ले लिया इसका मल्टीप्लिकेशन ये किया, सिग्निफिकेंट नंबर कम से कम कितने हैं 2, आंसर किसका रिपोर्ट करना 2 में, तो आंसर में रिपोर्ट किया 13 इसका, ये हमको रिपोर्ट नहीं करने, इसको हमने क्या कर लिया राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करके देखिए 8 का यहां क्या हो जाएगा 5, 5 है तो इक्वल है या इवन है, इवन पर चेंज नहीं होता तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 हमारा 5 से कम है तो यहां 9 इंक्रीमेंट है, बस समझ में आ गई, 13 आ गया। डिवीजन a by b, a लिया b लिया, इसको डिवाइड किया कुछ ये 3 का प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, 8 रहेगा, 8 से यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, 5 का कोई प्रभाव इस पे पड़ेगा ऑड है, 4 हो जाएगा, 4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 रहेगा, 4 का 0 रहेगा, 0 का 5 रहेगा, क्या 2.5 रिपोर्ट। समझ में आई वाली बात, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका काइनेमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक बात और कि डिस्कशन कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते रहिए, शीट लीजिए, जिसके पास नहीं है वो मुझसे ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपको शीट की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और हाँ, यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।